अगला प्रश्न प्रश्न बी है। दिया गया फलन है 3x^4 - 2x³ - 6x² + 6x + 1। अंतराल हमें मिला है, संवृत्त अंतराल है 0.2, x बिलोंग्स टू 0.2। हम दिए गए फलन को fx मान लेते हैं। fx बराबर है 3x^4 - 2x³ - 6x² + 6x + 1। यह हमें fx मिला है। f डैश x निकालें तो f डैश x, x के सापेक्ष अवकलन किया, 4 × 12x³ - 6x² - 12x + 6। अब अधिकतम तथा न्यूनतम मान के लिए हमें f डैश x को 0 के बराबर करना है। तो अधिकतम एवं न्यूनतम मान के लिए f डैश x बराबर हमें 0 करना है। f डैश x को 0 के बराबर किया तो ये 0 के बराबर हो गया, अर्थात 12x³ - 6x² - 12x + 6 बराबर हो गया 0। हम पूरे समीकरण में 6 कॉमन ले सकते हैं, तो 6 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या मिल गया, 2x³ - 6 कॉमन ले चुके हैं, तो x² - 2x + 1 यह हमें ब्रैकेट में मिला। 6 का समीकरण में भाग लगा दिया तो 2x³ - x² - 2x + 1 बराबर 0 हो गया। यहां पहले दो पदों में मैं x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दो पदों में, पहले दो पदों में, तो यहां क्या मिल जाएगा, 2x - 1। यहां माइनस कॉमन ले लिया तो 2x - 1 बराबर 0। 2x - 1 पुनः कॉमन ले लिया, 2x - 1 ब्रैकेट में हो गया x² - 1 बराबर 0। अब या तो ये खंड 0 के बराबर है या ये खंड 0 के बराबर है, तो इससे हमें x का क्या मान मिल गया, x बराबर 1/2। x² - 1 यदि 0 के बराबर है तो x बराबर 1 और माइनस 1, x² बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर +-1, तो दो मान मिल गए 1 और -1। अब देखो माइनस 1 तो यहां है नहीं, इस अंतराल में आता नहीं है, तो इसको तो हमने कर दिया रिजेक्ट, इस पे हमें परीक्षण नहीं देखना है। तो हमें fx का मान अब किन किन बिंदुओं पर निकालना है, x बराबर क्या क्या लेना है, एक तो लेना है 0, क्योंकि x का मान 0 हो सकता है, अंतराल संवृत्त अंतराल है, क्लोज इंटरवेल है। x बराबर 1/2 ले सकते हैं, x बराबर 1 लेना है और x बराबर 2 लेना है। इन चार बिंदुओं पर हमें fx का मान ज्ञात करना है। तो यहां हम ज्ञात करते हैं, जब हमने 0 लिया तो f 0 बराबर क्या हो जाएगा, x के स्थान पर 0 रख दिया, मान आ गया 1, ये सभी पद 0 हो जाएंगे, मान आ गया 1। अब 1/2 लेते हैं तो f 1/2 3 × 1/2 − 2 × 1/2 − 6 × 1/2 + 6 × 1/2 + 1। कैलकुलेट करें तो 3/16 माइनस ये हो गया 2/8 माइनस ये हो गया 6/4 + 6/2 + 1। 16 हो गया लघुत्तम, 3 − 4 − 6 × 24 + 8 × 48 + 16। इस मान को अब हम कैलकुलेट करते हैं, मान आ गया 67 − 28/16 अर्थात 39/16।
ये एफ एक बटे दो का मान आ गया। जब हम एक्स बराबर एक बटा दो लेते हैं तो फलन का मान 39/16 आता है। अब एक्स बराबर एक लेना है तो एफ एक, एक्स के स्थान पर यहां पर एक रख दिया तो 3 - 2 - 6 + 6 + 1, 6 से 6 ये कैंसिल हो गया, 4 - 2 माइनस करने से मान आ गया 2। अब एफ 2 का मान निकालते हैं, हमें x बराबर 2 लेना है, x के स्थान पर 2 लिख दिया तो 3 × 2^4 = 16 - 2 × 2^3 = 8 - 6 × 4 + 6 × 2 + 1 कैलकुलेट किया तो मान आता है 48 - 16 - 24 + 12 + 1। कैलकुलेट करें, मान आ गया 61 - 40 अर्थात 21। अब देखो हमने x के सभी मानों पर जो मान हमने प्राप्त किए हैं fx के मान ज्ञात कर लिए हैं, इनमें न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम मान है 1 जो कि हमें x बराबर 0 पर मिल रहा है। तो ये तो fx का हमें न्यूनतम मान प्राप्त हुआ। और अधिकतम मान क्या है, अधिकतम मान है x बराबर 2 पर 21, ये हमारा अधिकतम मान है। तो अंतराल जो हमें प्राप्त है उसमें न्यूनतम मान x बराबर 0 पर फलन का 1 है और अधिकतम मान x बराबर 2 पर 21 है।